प्यारे एमसीडी वार्ड नंबर 66 के निवासियों, शकुर बस्ती विधानसभा दिल्ली और भारत के निवासियों, आपके सबको चरणों में शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि जब एक बच्चा अपना कैरियर डॉक्टर के प्रोफेशन के तौर पर चुनता है तो उसके क्या क्या सपने होते हैं और वो क्या क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए राष्ट्र हित के अंदर। इसके बारे में मैं कुछ जूनियर डॉक्टरों से मिला। अब मैंने उन डॉक्टरों से सबसे अलग अलग पूछा कि उनकी क्या क्या राय थी। एक डॉक्टर ने बोला कि मैं यश कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। सबके अलग अलग व्यूज थे। एक से मैंने पूछा कि तुम्हारे को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी लग गई, मैं नाम नहीं बताऊँगा, शकुर बस्ती विधानसभा में एक हॉस्पिटल में उसकी जॉब थी, तो तुम प्राइवेट प्रोफेशन क्यों करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब क्यों करना चाहते हो, डॉक्टर के प्रोफेशन में प्राइवेट प्रोफेशन क्लिनिक क्यों खोलना चाहते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहते हो। तब उसने बताया कि भाई मैं यश कमाना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, जैसे देश में दुनिया कमा रही है लोगों की सेवा करने के साथ साथ, और मेरा यही एक मकसद है, और अपनी पढ़ाई की और मोर क्वालिफाइड होना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब मैं अलग अलग लोगों से मिला तो मैंने उनको ऑब्जर्वेशन दिया, तो यहाँ तक तो सबका सही था कि भाई वो लोग यश कमाना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता ही है कि भाई वो अपना यश कमाए, किसी भी काम या प्रोफेशन में, व्यापार में यश कमाना चाहता है। ज़्यादा क्वालिफिकेशन कमाना ये भी अच्छी बात है कि सबको क्वालिफिकेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिफाइड होगा तो उतना ही विकसित और आधुनिक और एजुकेटेड हमारा राष्ट्र होगा, भारत होगा, उतना ही हमारे देश का नाम होगा। लेकिन ज़्यादा मनी कमाना ये गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मनी कमाने के लिए शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करना, जो आजकल कई लोग व्यवसायीकरण जब किसी बिजनेस में होता है, जिसका उदाहरण है हमारे देश के अंदर एजुकेशन के अंदर मेडिकल लाइन हो गई, जस्टिस का सिस्टम हो गया, न्यायिक प्रक्रिया हो गई, जहाँ व्यवसायीकरण आ गया, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन मानव सेवा है, राष्ट्र सेवा है, और सबसे पहले मानव सेवा है। उसका एक काम ऐसा होता है, जब वो ऑपरेशन थिएटर पे या किसी पेशेंट को देख रहा होता है तो पैसे से पहला उद्देश्य उसका ये होता है मानव सेवा। अगर उसको उसके लिए अपनी फीस छोड़नी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तो उसे करना चाहिए। ये उसका मानव धर्म भी है, प्रोफेशन भी है और इंसानियत भी है। यहाँ मैं इस पक्ष के ऊपर सहमत नहीं हुआ उन लोगों से जब मैं मिला। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि तुम लोग जब किसी पेशेंट की जान बचाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। तब उन्होंने बोला कि बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है, खुशी होती है हमारी वजह से जब किसी की जान बचती है। तो यहाँ मैं बहुत सहमत हुआ और बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही धर्म है। डॉक्टर का प्रोफेशन एक तरीके से हमारे देश के अंदर भगवान की तरह होता है। जब एक आदमी सब जगह से निराश होता है और उसके हाथ में कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचता है अपनी, क्योंकि एक तो उसको भगवान ने वो शरीर की ताकत अंग दी है, आँख नाक कान शरीर के धड़कन, और एक दूसरी तरफ है वो डॉक्टर, जब वो किसी वजह से उस तक पहुँचता है तो उसको जो ज्ञान दिया है या जो उसने ज्ञान सीखा है, वो इसी कार्य के लिए है कि वो उसको उसकी जान से पहला धर्म उसका ही है। तो मैं आज इस अपनी शब्दावली के माध्यम से देश के सभी डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि सबसे पहले मानव सेवा जो उनका धर्म है, और उसके बाद राष्ट्र सेवा। अगर ये दो काम करेंगे तो उनकी यश भी होगा, ख्याति भी होगा, उनको धन भी प्राप्त होगा। हो सकता है कुछ धन, हमारे देश की 75% जनता ऐसी है जो ऐसे एरिया से आती है जिनके आज 50% हमारे देश की जनता ऐसी है जिनकी 10,000 से कम आमदनी है। 75% जनता आज भी इस देश में ऐसे जो दो टाइम का राशन नहीं खा पाते, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को कोरोना में उन्होंने राशन फ्री दे रहे हैं, और अभी भी ये स्कीम जारी है। ये एक बहुत प्रशंसनीय कदम है, और ऐसी सोच मैं समझता हूँ कि आज इस प्रोफेशन के अंदर लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन के लिए हर आदमी नहीं चुना जा सकता। डॉक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ी एक कला है, एक वरदान है प्रभु का, और जो ये लोगों को ये वरदान भगवान ने दिया है अपनी मेहनत से जो लोग डॉक्टर बने हैं, सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या कहीं प्राइवेट में या गवर्नमेंट के अंदर कहीं भी हो, तो उनका सबसे पहला धर्म मानव सेवा होना चाहिए। उनका आचरण बिल्कुल इस तरफ होना चाहिए, पैसों से ज़्यादा उसकी व्यक्ति की रक्षा होना चाहिए, और इसी से उनका नाम भी उज्ज्वल होगा। कुछ डॉक्टरों में ये हो गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करूँ, एंजियोग्राफी करूँ, ताकि मेरा नाम आए, मेरे नाम का बायोडाटा बढ़े, और ये, लेकिन सबसे बड़ी उस किसी इंसान की जान बचाना और उसकी दुआएं पाना है,
उन गरीब आदमियों की दवाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो सरकारी अस्पताल में आजकल आज मेडिकल चिकित्सा की वजह से पूरी तरीके से ठीक ना मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों के घर में आज दो टाइम का राशन नहीं है, जो नाम लिखना नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं, जो लोग घरों के बर्तन मांजते हैं, आज लोगों की घुटन उठाते हैं, लोग सड़क पर काम करते हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं ठंड के अंदर नंगे पैर, उनकी तरफ देखें, उनका जीवन की तरफ देखें तो शायद तुमको कुछ परिवर्तन होगा। और कितने लोग बड़े से बड़े, अभी आपने अनुभूतियाँ देखी हैं, जब वो उनका अंतिम समय आता है तो जब वो शमशान घाट तक जाते हैं तो वो एक बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही एक मैं कहता हूँ प्रशंसनीय तो मैं गलत शब्द बोल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, मतलब एक प्रश्न चिन्ह वाला सवाल होता है कि जो आदमी इतना ताकतवर होता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन जब वो वहाँ होता है तो उसकी कुछ भी शरीर में हरकत नहीं होती, जीरो होता है। वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं कुछ समय के लिए और चले जाते हैं। तो यही मेरी आज इस शब्दावली के माध्यम से देश के तमाम सभी डॉक्टर्स और डॉक्टर से जुड़े हुए, इस पेशे से जुड़े हुए लोगों से, कि वो पहली प्रायोरिटी कम से कम अपने जीवन का एक 5 साल 10 साल का पीरियड सरकारी हॉस्पिटल में जरूर दें, जब गरीब लोगों की जनता की सेवा जरूर करें फ्री, उसको सोशल मीडिया पे डालें जिससे कि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके, सरकार को मदद मिल सके, देश की जनता को गौरवमय हो सके। जैसे कि हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ता है ठंड के अंदर, -डिग्री टेम्परेचर में भी आज वो खड़ा हुआ है देश की आन बान शान के लिए। किसान आज नंगे पैर खेतों के अंदर खड़ा होता है और अन्न पैदा करता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देता है, अन्नदाता माना जाता है हमारे देश का। तो इसी तरीके से मेरी डॉक्टर की प्रोफेशन भगवान के बाद मैं इनका दूसरा दर्जा मानता हूँ, तो उनको अपने इस दर्जे का और प्रभु के इस आशीर्वाद का और वरदान जो उनको मिला है डॉक्टर के रूप में, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसी शब्दावली को विराम देते हो और जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति, जिंदाबाद।